वेरी सीवियर साइक्लोस्ट्रॉम विपर्जय सेंट्रल अरबियन सी में आज फोर्नोन में केंद्रीभूत है। पोरबंदर से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की दिशा में 830 किलोमीटर दूरी पर केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे नॉर्थ की दिशा में मूव कर रहा है और इसका मूवमेंट ऐसे नॉर्थ की दिशा में जारी रहेगा अगले 5 दिन में। और इसके बीच इसका जो विंड स्पीड है अभी लगभग 125-135 किलोमीटर पर आवर, गोस्टिनेस में 150 किलोमीटर पर आवर है सेंटर के आसपास। और 10 तारीख सुबह तक ये धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होते हुए इसका विंड स्पीड 150 किलोमीटर, गोस्टिनेस में 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट नहीं कर रहा है मगर ये गुजरात के आसपास सबसे नजदीक आएगा 13 तारीख और 14 तारीख में। लगभग 400 किलोमीटर दूरी पे गुजरात कोस्ट से वेस्ट में अरेबियन सी में केंद्रीभूत होगा। इसलिए इसके प्रभाव में जो सेंट्रल अरेबियन सी है वहां अभी बहुत स्ट्रांग विंड चल रहा है, जैसे 125-135 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग 250 किलोमीटर पर आवर। सी कंडीशन फेनोमेनल है यानी वेव हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए फिशरमैन वगैरह के लिए सेफ नहीं, निरापद नहीं है। शिप कम्युनिटी, मरीन कम्युनिटी, जो ऑफशोर ऑपरेशन है अरेबियन सी में, वो सभी के लिए हम वार्निंग और एडवाइजरी दे रहे हैं। और गुजरात कोस्ट के लिए, स्पेशली सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के लिए हम कल से 35-45 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का वार्निंग दिए हैं और धीरे धीरे बढ़ के 14 तारीख और 15 तारीख को विंड स्पीड 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, यानी स्क्वाली विंड होगा सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट के आसपास। इसलिए फिशरमैन 15 तारीख तक समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए और जो समुद्र में है वो निरापद स्थान को आ जाना चाहिए।